नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना किसी वजह के अस्वस्थ रहने लगता है, उसे नींद नहीं आती और डरावने सपने आते हैं। लोग मानते हैं कि कई बार बुरी नजर या फिर प्रेत बाधा के कारण ऐसा हो सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें इसकी पहचान और किन उपायों से दूर करें ये समस्या। दोस्तों, इस प्रकृति में 84 लाख योनियां विद्यमान हैं, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर आदि शामिल हैं। दोस्तों, भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती हैं, जिसमें छलावा, भूत, जिन, भ्रम राक्षस और भ्रम दैत्य ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार होता है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य के सामने ये सब मदारी के बंदर के समान हैं। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर के समान इसको नाच नचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्ञान भरी होने वाली है और बहुत ही ज्यादा रोचक है। इसीलिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि आज की इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप भूत प्रेत से नहीं डरेंगे, बल्कि भूत प्रेत आपसे डरना शुरू कर देंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी जड़ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बताऊंगी जिससे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा डरता है और इसे देख करके थर थर कांपता है, बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और इतना ही नहीं, इनसे बचाव के लिए जो मैं वस्तु बताऊंगी, इन वस्तुओं से तांत्रिक मंत्र और ज्ञानी जन भूत प्रेतों को दंड देते हैं और बंधन में बांध करके कहीं पर गाड़ भी देते हैं। तो दोस्तों, वही जानकारी बताऊंगी जो मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त है। आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, बस आप लोगों से इतना सा निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो जरा भी मिस मत करना, इसे आखिर तक देखना और ये जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। दोस्तों, मनुष्य मरने के बाद सर्वप्रथम प्रेत योनि में जाता है और प्रेत योनि का मोक्षीकरण जब होता है तो पितृलोक जाकर के पितृ रूप धारण करता है। इसके बाद ही आत्मा को सदगति और दुर्गति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जब भूत 3 तत्वों से बना है और आप 5 तत्वों के बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे 2 तत्वों से कम है, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमसे डरना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसीलिए गुप्त बात बता रही हूं कि कितने तत्वों का बना है, ये क्या होता है, ताकि ये बेसिक नॉलेज आपको आगे जीवन में काम आ सके। एक बार की बात है दोस्तों, जब इंद्रदेव ने बृहस्पति देव से पूछा कि हे गुरुदेव, मनुष्य किस प्रकार इन दुष्ट भूत, प्रेत, पिशाच जैसी काली शक्तियों से अपने आप को सुरक्षित रखे और अपने आप को इससे अत्यधिक शक्तिशाली बनाए। और यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से भी किया। हे भोलेनाथ, हे भगवान, हे पति परमेश्वर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साधारण मनुष्य किस प्रकार से भूत प्रेत को अपने बंधन में बांध करके रखे, कैसे इनसे बच सके, कैसे इन पर काबू पा सके। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया था, भूत प्रेत के संबंध में जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान आप सभी दर्शकों के बीच में मैं साझा करने जा रही हूँ वीडियो के माध्यम से। तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है और देखिए, ज्ञान हमेशा काम आता है, अभी नहीं तो आगे चल करके आपके जीवन में बहुत काम आएगा। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भूत प्रेत लगने के लक्षण कैसे पता करें कि व्यक्ति को भूत प्रेत लगा है। तो इसके निम्न प्रकार के लक्षण हैं। जब अकारण ही मन उदास होने लगे और व्याकुल होने लगे तो भूत प्रेत के लक्षण होते हैं। मनोस्थिति असामान्य हो जाए, मनोस्थिति अगर असामान्य हो जाए तो ये भी भूत प्रेत लगने के लक्षण होते हैं। सिर भारी भारी लगने लगता है, शरीर पर बहुत ही ज्यादा भोज का अभाव होता है, आभास होने लगता है, शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी होने लगती है और उनके नेत्र जो होते हैं, जो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो, उनके नेत्र एकदम से लाल पड़ जाते हैं, भोजन अत्यधिक करने लगते हैं या फिर भोजन करें तो ना के बराबर भोजन करते हैं और पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, व्यर्थ में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और सोते समय उठ करके चलना शुरू कर देते हैं, नींद में चलना शुरू कर देते हैं, हमेशा भय का आभास होना शुरू हो जाता है। ये सब ऊपरी बाधा के लक्षण हैं। कई लोगों को दोस्तों भूत प्रेत लगने पर अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है। आपने देखा होगा कि जिन्हें भूत प्रेत लगा होता है वो अत्यधिक पानी मांगता है, अत्यधिक पानी पीने की कोशिश करता है, खूब ढेर सारा पानी भी पी लेता है, गला बहुत ज्यादा सूखता है, क्योंकि दोस्तों भूत प्रेत अतृप्त आत्मा होती है और इन्हें पानी से वंचित रखा जाता है। इसीलिए इस प्रकार के दंड को भोगता हुआ जब किसी को अकारण पकड़ ले तो जल की कामना करते हैं।
अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि वास्तव में भूत प्रेत लगा हो। इनके हम तीन लक्षण बता रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सन्यासी गुरु और हमारे खुद का अनुभव है, सो इस जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिए। दोस्तों अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो और अगर आप नाड़ी को छू करके देखेंगे, क्योंकि हमारे तीन प्रकार की मुख्य नाड़ी कहे गए हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। वैसे तो 72,000 नाड़ी है मनुष्य के शरीर में, लेकिन तीन नाड़ी मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सशम। आप कोई भी नाड़ी को छू करके देखेंगे तो ये बिल्कुल धीमी गति से चलेगा, ना के बराबर चलेगा, नाड़ी एकदम दब जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को भूत प्रेत पकड़ा है, भूत प्रेत से ग्रसित है। दूसरा लक्षण, अगर जिसे भूत प्रेत लगा हो उनके नेत्रों पर एक टक अगर आप देखते हैं कि बिल्कुल ही त्राटक के जैसा देखते हैं, एक टक लगा करके देखते हैं तो आपको घूरे, तो ये हमने कई पेशेंट्स पर भी देखा है। तो इसका तीसरा जो लक्षण है दोस्तों वो है पसीना बहुत ज्यादा आना। पसीना इतना ज्यादा निकलने लगता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भूत प्रेत से ग्रसित होता है उनके शरीर से दुर्गंध युक्त पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो आइए इससे बचने का उपाय जानते हैं जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं। तो माता पार्वती ने भगवान को कहा, भगवान भोलेनाथ, जो मनुष्य किसी भी सात्विक मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो मंत्र हनुमान जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो, भोलेनाथ का हो, राम जी का हो, जो मनुष्य किसी भी देव स्वरूप देवी देवताओं के सात्विक मंत्र का जाप करता है उसे भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताता और कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। हे पार्वती, वो मनुष्य सुरक्षित रहता है क्योंकि मंत्र प्रबल होते हैं। मंत्र से मनुष्य के शरीर में अवरा मंडल का निर्माण होता है और अवरा मंडल से शक्ति पूज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहते हैं। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए दोस्तों। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक औषधि आती है, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक बहुत प्रकार की औषधि आती है, जिसे जला करके अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो, उन्हें अगर जला करके इसके अगर धुएं को सुंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तीसरा लक्षण सुनिए जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं सभी मनुष्य को, और ये जानकारी को जरूर धारण करना है। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है उसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधा नहीं सताती, बल्कि उसे देख करके और भी डरता है, घबराता है। क्योंकि दोस्तों तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं है, तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है, और जिस व्यक्ति का तेज अर्थात व्यक्ति तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने और अगर सात्विक हो और अगर वो तुलसी की माला धारण करे तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत या फिर पतित आत्मा नहीं भटकते, आने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव से वो भस्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय सुनिए जो कि भूत प्रेत भगाने की रामबाण औषधि है दोस्तों, सफेद मदार की जड़। एक संत महात्मा ने हमें बताया कि सफेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ऊपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खूंखार प्रेत क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफेद मदार की जड़ रवि पुष्प नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले या फिर होली दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से व्यक्ति बचे रहते हैं और ये सब भूत प्रेत उन्हें देख करके डरते हैं। सफेद मदार की जड़ आप अपने सुरक्षा के लिए तावीज में डाल करके अवश्य धारण करें, सभी प्रकार की बाधाओं से आपको ये बचाएंगे और ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो उपाय है भूत प्रेत से बचने का, ये रामबाण उपाय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को काक चंदेश्वर कल्पतंत्रम में, वनस्पति शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किए हैं। निर्गुंडी की जड़, निर्गुंडी की जड़ दोस्तों भूत प्रेत की काल है। निर्गुंडी नामक जो पौधे, इसकी जड़ भूत प्रेत की काल है, तो निर्गुंडी की जड़ पतित आत्माओं के लिए साक्षात महाकाल का ही स्वरूप है। निर्गुंडी की जड़ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट करके अगर कोई मनुष्य धारण करे तो कभी भी किसी भी प्रकार के भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति के, जो आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, उसे असफल कर देते हैं और आपको एक प्रकार की दोस्तों सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों कलयुग में हनुमान जी महाराज इन पतित आत्माओं के लिए महाकाल है। हनुमान जी का स्मरण मात्र से ये सब जितने भी पतित आत्मा है, भूत प्रेत पिशाच है, निशाचार है, सब छूमंत्र हो जाते हैं। लेकिन अगर पतित आत्मा हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी के साधक हो, या फिर दुर्घटनावश ऐसे साधक जो कि हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई है और आप दोस्तों हनुमान जी का नाम लेकर के उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो हनुमान जी महाराज उन्हें दंडित नहीं करेंगे। हनुमान
हनुमान जी महाराज, क्योंकि वो भी आपसे पहले हनुमान भक्त थे, तो वो उन्हें दंडित बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विकराल होते हैं, तो हमारे गुरु ने इनसे बचने के भी उपाय बताए हैं। ऐसे में ऐसे भूतों से अपनी सुरक्षा के लिए आप जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, बेजंती की माला इत्यादि जो पवित्र माला कहे गए हैं, वे अवश्य अपने गले में धारण करें। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि दोस्तों, जो दिव्य औषधि, दिव्य पौधे, जो इनके माला धारण करने से मनुष्य के जो मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और मंडल का विकास होता है, ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों, पारद गुटिका नाम की एक वटी आती है जो पारा से निर्मित होता है। तो पारद गुटिका को जो मनुष्य धारण करता है या रखता है, तो उसे ये निशाचर, जितने भी शक्ति, निशाचर शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति है, ये सब घबराते हैं, डरते हैं। बता दे कि पारद गुटिका साक्षात भोलेनाथ का ही स्वरूप है, शंकर जी का वीर कहा जाता है, और ये गुटिका आपको पूजन पाठ की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। तो जो मनुष्य पारद गुटिका धारण करते हैं, उसे सभी प्रकार की बाधा है या फिर किसी भी प्रकार का जो दोष है, घटना है, उससे वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कोई भी भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए स्वयं ये गुटिका आप धारण जरूर कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी धारण करा सकते हैं या फिर घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं, आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ आपको कुछ अन्य जानकारी भी बताते हैं। अपनी सुरक्षा एवं अदृश्य बाधाओं से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि में आप दूध पीकर एवं खीर खाकर अकेले घर से बाहर ना निकलें, पीपल, बरगद एवं इमली के वृक्ष के नीचे ना थूके और ना ही अन्य किसी प्रकार की वहां पर गंदगी करें। किसी स्थान पर यदि टोटका किया हुआ है, उस स्थान से बचकर निकले, उसके ऊपर पैर पड़ना अथवा उसके ऊपर से होकर निकलना परेशानी का कारण बनता है। यदि आपको अशुभ स्वप्न आते हैं, तो सिरहाने फिटकरी रखकर सोएं, इत्र लगाकर रात्रि के समय बाहर ना जाएं, ना ही एकांत में रहें, रुमाल में अथवा साड़ी के पल्लू में कोने में थोड़ी सी सुगंधित हींग बांधनी चाहिए तथा उसे दिन में एक बार अवश्य सूंघना चाहिए। जब भी किसी कारण से शमशान में जाना पड़े, तो बाहर निकलकर नीम की पत्तियां अवश्य चबानी चाहिए। सुरक्षा हेतु मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए तथा सिंदूर की बिंदी भी लगानी चाहिए। जिस व्यक्ति पर यदि ऊपरी बाधा का प्रभाव हो, उसको अपने शयन कक्ष में मोर पंख इस प्रकार रखना चाहिए कि वे उसे दिखते रहें। बरगद वृक्ष की लटकी हुई जटों की गांठ ना खोलें। जिस स्थान पर तांत्रिक प्रयोग करने के चिन्ह एवं वस्तुएं हो, उस स्थान से दूर रहें। यदि कोई साधु, सन्यासी, तांत्रिक एवं टोटके करने वाला व्यक्ति कोई सुपारी, लौंग, इलायची एवं पान आदि वस्तु खाने के लिए दे, तो उसका सेवन ना करें, अपितु उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसी वस्तुओं को साथ में भी ना रखें। बता दे कि झाड़ू व धान कूटने वाला मूसल अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से उतार कर उसके सिरहाने रख दें। गाय के गोबर का कंडा व जली लकड़ी की राख को पानी से भिंगोकर एक लड्डू बनाएं और उसमें 5 रुपए का सिक्का घोंस दें। फिर उस पर काजल और रौली की 7 बिंदी लगा दें। तत्पश्चात लोहे की 1 कील उसमें घुसा दें। अब इस लड्डू को अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर चुपचाप नजदीक के किसी चौराहे पर रखाएं। आते जाते समय किसी से बातचीत ना करें तथा पीछे मुड़कर भी ना देखें। इस क्रिया को करने से भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति बहुत ही जल्द स्वस्थ होने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।